ये जिन नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है। जिस व्यापम के पिछली सरकार में योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार किया था, वो व्यापम पिछले 3 महीने से जो सरकार ने और दबा के रखा था कि नौजवान अपने अधिकार की बात नहीं कर पा रहा था, लगातार लोग अपने आंदोलन प्रदर्शन करते थे तो उनसे ना तो कोई समझने आता था ना मूल मुद्दों पे बात करने आता था। मुझे आज माननीय कमलनाथ जी ने भेजा है कि इनके मूल मुद्दों को समझो कि समस्या क्या है और किस प्रकार का ये घोटाला प्रतीत होता है। तो जो मूल भाव इनसे समझ के आया कि जुलाई अगस्त में परीक्षा होती है ग्रुप डी की, ग्रुप फोर की, और यहाँ पे करीब करीब 1.5 लाख लोग परीक्षा देते हैं और उसके बाद 35,000 का बायोमेट्रिक के कारण रोक दिया जाता है, उसमें 250 की फिर पुनः परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद जो रिजल्ट आता है तो उसके अंदर जो टॉपर घोटाला बिहार में हुआ था उसी प्रकार का एक घोटाला है पिछली सरकार का प्रतीत होता है। तो इसमें माननीय कमलनाथ जी से बात करके SIT के जो इनकी मांग है कि SIT इसके ऊपर रख के इस जांच को करा के इन नौजवानों को न्याय मिले, इस बात को लेकर कमलनाथ जी से इसमें बात करेंगे।